नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। दिवाली की रात बिलासपुर में जली 6 गौशालाएं, 1 कमरा और 1 रसोई घर भी राख। हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात जगह जगह आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बिलासपुर जिले की भराड़ी उप तहसील के तहत लेहडी सरील पंचायत के शमसाए गांव में आग लगने के साथ ही 4 गौशालाएं जल गई। इस घटना से 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सहायता से पशुशाला के भीतर बंधे मवेशियों को समय रहते बाहर निकाल दिया गया। दूसरी आग की घटना में घुमारवी उपमंडल के हर लोग गांव में 2 परिवारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने से 1 रिहायशी कमरा, रसोई घर व उसके साथ बनी 2 पशुशालाएं जलकर राख हो गई। वहीं जिला हमीरपुर के साथ लगते दगनेड़ी गांव में भी आग का मामला सामने आया है। पर्यटन स्थल मड़ी में पैराग्लाइडर क्रैश, विदेशी महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थल मड़ी में पैराग्लाइडिंग करते हुए गिरने से विदेशी महिला की मौत हो गई है। हादसा बुधवार को पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चेक गणराज्य मिसु सर्वा डीटा केस का मड़ी में पैराग्लाइडिंग कर रही थी। वो खुद ही पैराग्लाइडर को उड़ा रही थी, अचानक उसका पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। चोट लगने के कारण महिला को मिशन अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला के परिजनों को दूतावास के माध्यम से सूचना भेजी गई है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। नींद विकार के रोगियों का अब एम्स बिलासपुर में हो सकेगा इलाज। स्लीप लैब शुरू। अनिंद्रा, बेचैन, पैर सिंड्रोम, नींद में चले रात का डर और अन्य विकारों के रोगियों का अब एम्स बिलासपुर में बेहतर इलाज हो सकेगा। एम्स में मरीजों के लिए स्लीप लैब शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लैब का उद्घाटन किया था। लैब में फुल नाइट डायग्नोस्टिक PSG, स्लिप्ड नाइट PSG, PAP, टाइट्रेशन PSG और MSLT स्टडी जैसी जांच की सुविधा होगी। शिमला विंटर कार्निवल 25 दिसंबर से होगा शुरू। हिमाचली कलाकारों को मिलेगा मौका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाने वाला विंटर कार्निवल इस बार 10 दिन तक चलेगा। आम जनता और सैलानियों की पसंद बने विंटर कार्निवल की समय अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बारे में महापौर सुरेंद्र चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भी चर्चा की है। पिछले साल 25 से 31 दिसंबर तक मनाया गया पहला शिमला विंटर कार्निवल देश भर में सुर्खियों में रहा था। विंटर कार्निवल के दौरान शिमला शहर में सैलानियों की आवाजाही भी बड़ी थी। शहर के कारोबारियों ने इसे सफल आयोजन बताया था।